हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो पेपर आगे होने वाला है 2017-18 में, उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या आएगा और किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे एक लाल बटन बना होगा उसको दबाकर अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे हम यूपी लेखपाल के लिए बहुत से प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर और उनसे संबंधित पीडीएफ देने वाले हैं, तो वो आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं आपको, तो इस बार जो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा, पहले 80 नंबर का होता था। तो जो 80 नंबर होता था उसमें 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का जीके और 20 नंबर का जो ग्राम समाज का होता है वो आता था। तो इस बार से ऐसा क्या होगा, 20 नंबर का इंटरव्यू भी होता था, उसको मिला के 100 नंबर का पेपर होता था। तो इस बार ऐसा होगा, इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है आप सभी जानते हैं, और उसके बाद अब इस बार 25-25 नंबर का ये सेक्शन कर दिया गया, 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर की जीके और 25 नंबर का ग्राम समाज वाला। और इसके साथ में एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अगर आप CCC की डिग्री नहीं प्राप्त हैं आपको तो आप ये फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो पहले सबसे ज़रूरी है आप CCC कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जाके, नीलेट या डोएट से जाके आप CCC की डिग्री कर लीजिए, पास कर लीजिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, वरना नहीं भर पाएंगे। तो ये थे वो बदलाव जो इस बार किए गए हैं यूपी लेखपाल के लिए। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया है और CCC कंपल